कोई ओरी बेटी नहीं सी हैगी, भरा कोलो धी लै के पाली सी। अच्छा, कोई ओरी बेटी नहीं सी, एक बीवी ते एक बेटी ओदी रहंदी सी। अच्छा नाज़रीन, ये बड़ी खबर चल रही थी कि उसकी एक बेटी भी थी, जो इनके हमसाय ने ऐसा हकायक बताया है कि उसकी बेटी कोई नहीं थी। देख रहे हैं मेरा पाकिस्तान और मैं हूँ आपका होस्ट हारिस पट्टी। नाज़रीन, मुलज़िम आबिद अली जो इस वक्त फरार है, पूरे पाकिस्तान की फोर्सेस, पाकिस्तान की एजेंसी उसको ढूंढने में लगी हुई हैं किस तरह वो मिल जाए। इस वक्त मैं उसके गांव में मौजूद हूँ जहां पर उसकी रिहाइश थी। इसके जो हमसाये थे आबिद अली के, अम्मा जी मेरे साथ मौजूद है जो उनके हमसाये से रहती थी, उनके साथ इनसे गुफ्तगू करते हैं, आबिद अली के बारे में जानते हैं कि आखिर आबिद अली का करेक्टर कैसा था, कि आबिद अली काम क्या करता था, आबिद अली का यहाँ पर रहना सहना किस तरह था, और क्या इनको आइडिया था कि आबिद अली का जो करेक्टर है वो इस हद तक था कि वो लोग वो डाके गमाल डालता था, अजीब भी उसकी हरकत थी, और जो उसने मोटर पर वाकया जो हुआ है एक पाकिस्तान की तारीख पर एक धब्बा लगाया। अस्सलाम वालेकुम माजी। वालेकुम सलाम माजी। आबिद अली आपके हमसाया है, ये कितने अरसे से यहाँ पर रह रहा था? असी तो पुत्र नवे हैं, दो माह हो गए असी इतने मकान बनाया। सही है, तो लेकिन उनकी करदार ठीक नहीं है, साढ़े वास्ते रात होंगी सी, उनके वास्ते दिन होंदा सी। नहीं करता क्या था, काम वगैरह क्या करता था? वेला रहिंदा सी। नहीं कोई कहता है कि उसका कोई काम, कोई या कोई कहता पेट्रोल पंप पे काम करता था, लेकिन कोई पेट्रोल पंप पे काम नहीं सी करता। सुबह ने तो चक्कर चुक्कर लांदा वेखीदा सी। अच्छा, फिर रात को गायब। नहीं यहाँ पर आपका, आपके साथ उसका कैसा रवैया था? साढ़े नाल तो उन्होंने बुलान चलान ही नहीं है, साढ़े नाल दो बार उन्होंने झगड़ा होया, तो असी तो उन्होंने बुलाते नहीं रहे, असं उन्होंने रस्ता बंद कर दिता सी, उत्ते कंडे सुट दिते सन उन्होंने। फिर बदमाशी नाल मैं कार नहीं गई, फिर उन्होंने बदमाशी नाल चुक लेने, मैं क्या मैं अपने बूवी अगर गुजर नहीं देना। यानी कि वो उसका जो करैक्टर था रहना सहना मोहल्लेदारों के साथ भी ऐसा ही था, बदतमीजी वाला, लोगों को धमकाना डराना? किसी लोग कई लोग ने जिन्होंने नाल सीरीयस रहिंदा सी कई, लेकिन असी साढ़े नाल उन्होंने लड़ाई रही है, असी अपने बूवी अगर गुजर नहीं सा देंदे, नाल चंगे बंदे बंदे होंगे सन, तो असं इस वास्ते मना करते। तो माँ जी आपको आइडिया था कभी कि ये इन कामों में मुलविस है, यानी कि डाके डालता है, चोरियां करता है? मुलविस है, कई दफ़ा पड़ीचा, कई दफ़ा उसे वेल छुट के आ जाता, कई दफ़ा पड़ींदा छुट के आ जाता। यानी कि आपके कहने का मतलब है कि उसके पीछे हाथ बहुत बड़े बड़े हैं, यानी कि उसको लोगों की बड़ी सपोर्ट है। तो कभी आपके साथ उसने झगड़ा वगैरह किया हो यहाँ पर मोहल्लेदारों से? असी पढ़ के उनका पर्चा भी करवाण लगे तो छुट के आ जाता सी, फिर कहता सी जेड़ा मेरी मुखबरी करेगा उन्हू, यानी कि उनकी मैं नस्ल मिटा दूंगा। यानी कि इस हद तक आपको धमकियां देता था? हम देख रहे हैं कि उसका घर भी है बिल्कुल आपके साथ है। लड़ाई हुई उदन इतने पिस्टल लैके आया, तो ऐसा टंग के नाले मैं इतने बाहर बैठी हूँ कुर्सी डाल, नाले मेरे वालों वेखदा, नाले उन्हें वालों वेंदा कि इनू नज़र आंदा पै कि नहीं, तो मैं क्या हूँ मैं जिदन चली गई ना तो मैं तेन फिर पूछागी, तो असं गरीब लोग हाँ अभी तेन पता है, इस गलो डर गए हैं कि चल चला जाता है तो दूजे दिन आ जाता। अरे माँ जी आप परेशान ना हो, वो इस वक्त जिस मैंने कि उसको हमारे पाकिस्तान की जो फोर्सेज हैं उसको पकड़ी है, इंशाल्लाह वो इबरत का निशान बनेगा। तो उस जो वाकया हुआ है इस पर क्या कहना चाहेंगे कि उसने जो इंसानियत को हिला कर रख दिया हमारे? मैं तो कहनी भी उन्होंने चौंक च खिलार के तो गोली मार दी जाए, यानी कि उसको फांसी पर लटका दिया जाए, इबरत का निशान बना दिया जाए उसको। हाँ जी, इन्हें लो वेख के कोई और ना इंज करे। तो बाकी उसके बच्चे वगैरह कोई बताइएगा जरा, कोई कहता है कि उसकी अपनी बेटी भी थी, इसका ये क्या, उसके मामला क्या थे? कोई ओरी बेटी नहीं सी हैगी, भरा कोलो धी लै के पाली सी। अच्छा, कोई ओरी बेटी नहीं सी, एक बीवी तो एक बेटी ओदी रहिंदी सी। अच्छा नाज़रीन, ये बड़ी खबर चल रही थी कि उसकी एक बेटी भी थी, जो इनके हमसाय ने ऐसा हकायक बताया कि उसकी बेटी कोई नहीं थी, उसने भाई से लेके पाली भी थी, जो पुलिस को यहाँ पर मिली थी जब वो आए हैं फरार हो गया। मैं दस्या, मैं क्या कि इनकी बेटी अपनी नहीं हैगी, वो कहते हैं बच्ची ने छोड़ के, मैं क्या इनकी बेटी अपनी नहीं हैगी, भाई को लै के पाली सी। जी तो नाज़रीन, आपने मुलज़िम आबिद जो है उनके हमसाएँ माँ जी उनकी गुफ्तगू सुनी कि उसका रहन सहन किस तरह था, उसने इलाके में भी एक दूसरे के लोगों को डरा धमका के रखा हुआ था, और बेटी जो उसकी असल बात उन्होंने बताई है, जो उसकी बेटी अपनी नहीं थी, उसने बेटे अपने भाई से लेकर पाली। बच्चा ही कोई नहीं सी, अपना उनका बच्चा ही नहीं है, तो ना खड़ा दवे ही हूँ। बिल्कुल माँ जी, वो इंशाल्लाह इबरत का निशान बनेगा। नाज़रीन अपने मेज़बान हारिस भट्टी को दीजिए इजाज़त, देखते रहिए मेरा पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।